हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। वीडियो बनाना तो बनता है और मैं हमेशा सपोर्ट में रहूँगी रजनी दी का, सीमल जी का और रानी दी का। मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे डेली ब्लॉग बनाना पड़े। वो लड़की इतना फेक बता रही है, बोल रही है, बकवास कर रही है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और अभी आप देखिए कि सीमल जी का फेस यूज़ करके वो ये कह रही है कि इंस्टाग्राम हैक कर लिया है। कल बोलेगी हाँ यूट्यूब हैक कर लिया है। आप सोचिए, कोई बात नहीं, वो लड़की जितना भी नेगेटिव फैलाए, जितना भी फ्रॉड करे, पर हम लोग हमेशा गुड्डू जी के साथ और सिमल जी के साथ हमेशा हम लोग हैं। उनके लिए हम हमेशा सपोर्ट के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाएंगे, चाहे वो जितना भी लड़की जितना भी नेगेटिविटी और जितना भी कुछ भी झूठी बकवास करे, पर हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना और अब हमेशा अच्छे से वीडियो बनाइए। और आज फिर से मैंने देखा कि सिमल जी की मम्मी फिर से रो रही थी और बहुत गलत बात है। और उस लड़की को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ तू अपने ये जो गंदे बेकार से और जो अपने फ्रॉड वीडियोस और ये सब फैला रही है, इसको बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि कितना रुलाएगी, कल उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ऑब्वियसली तुम होगी, है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि इतना मत उकसाओ किसी को ना कि वो सोचने समझने लायक ही ना रहे। तो प्लीज़ बंद कर दे, इतना नीचे मत गिराओ किसी को, ठीक है? अपना काम करो और दूसरे को भी अपना काम करने दो। इतना फेक एलिगेशन, कोई बात नहीं, अभी वो उड़ रही है ऊपर, पर एक ना एक दिन वो नीचे आएगी ज़मीन पे, तब पता चलेगा। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, हमेशा सपोर्ट के लिए आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो जितना भी फ्रॉड फेक बातें वो करें, और हाँ हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं, कुछ उसके चमचे भी हैं जहाँ पे मतलब यहाँ आके बकवासी करते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो भी ऐसे फ्रॉड वाले ही हों। तो यही है, बाकी हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। टेक केयर गाइज।